नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी लोग लगभग सक्रिय हो चुके हैं। देखिए, कोरोना काल और बाढ़ जैसी समस्याओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहा था। अब जो है नीतीश कुमार जी कहे तो फ्रंट फुट से बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। लगातार उन पर आरोप लग रहा था कि कोरोना जैसे महामारी में वो लोगों तक नहीं जा रहे हैं, बाढ़ जैसी भीषण समस्याओं के भी उस समस्याओं को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसे आरोप के बीच अब नीतीश कुमार जो है उनकी सक्रियता जो है अब काफ़ी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव है, चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की सक्रियता लाजमी है। अगर चुनाव में लोगों के बीच नहीं जाएंगे तो शायद जो है 2020 के बाद उनका मुख्यमंत्री बनना हो सकता है कि नहीं बने। लेकिन खैर, इन सभी चीज़ों के बावजूद हम आज बात करेंगे जीतनराम मांझी की। देखिए, नीतीश कुमार पिछले दिन एक कार्यक्रम में थे जहां पे कई परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा था। उस बीच जब अंत में जब धन्यवाद ज्ञापन करने का समय आया तो एक जो सरकारी अफसर थे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का नाम ले लिया। इस बीच अब नीतीश कुमार भी उसको राजनीतिक अंश देने में लग गए। नीतीश कुमार ने देखिए, नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनकी जो है राजनीतिक पारी इतनी लंबी है कि बिटवीन द लाइन बहुत कुछ बोल जाते हैं, और वो बहुत कुछ बोलने का मतलब जो है बिहार की राजनीतिक में बहुत कुछ बहुत सोच समझ के बोलते हैं। अपनी बातों को जब भी रहते हैं तो बहुत सोच समझ कर और काफ़ी वजन के साथ कुछ भी मतलब कुछ भी बोलने का उनका मायने नहीं रहता। उन्होंने उस दरमियान जब अफसर ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का नाम लिया तो उन्होंने बोला, नीतीश कुमार ने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि जीतनराम मांझी आप यहाँ आए हैं। खैर, लेकिन आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है से करते हुए उन्होंने स्वागत किया। इसके बाद जो है अब बिहार की राजनीतिक में आयू कहें तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब जो है महागठबंधन से अलग हो चुकी है। यानी कि कहा जा रहा है कि अब हो सकता है तो जेडीयू में विलय कर सकते हैं या तो एनडीए के साथ जा सकते हैं, खबरें जो है। लेकिन अब जब से नीतीश कुमार ने उनकी शुक्रिया किया है, स्वागत किया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी जो है उनकी कार्य प्रणाली जो है उसको और बेहतर बनाने लगे हैं। हालांकि पहले विपक्ष में थे, महागठबंधन में थे, तो कई दफ़ा इन्होंने उन पर हमला भी बोला था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली का स्वागत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। लेकिन देखिए, अगर मांझी जी की बात की जाए तो कुछ दिन पहले से ही ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि हो सकता है तो जिस तरीके से वो बोल रहे थे, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बोल रहे हैं जब वो महागठबंधन थे। लेकिन अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार भी उनका स्वागत कर रहे हैं, ये भी उनके बोल रहे हैं, उनके तरफ से लगा उनके कार्यप्रणाली हो, उनकी जो परियोजनाएँ हो, उनको उनकी तारीफ कर रहे हैं, उसको लेकर अब साफ हो रहा है कि हो सकता है तो आने वाले दिनों में चुनाव नज़दीक है, ऐसे में महागठबंधन से दूर भी हो चुके हैं वो, अब जो है उनका विलय हो सकता है, खबरें ये हैं। लेकिन इन सभी खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने खारिज कर दिया है कि विलय वाली खबर जो है ये संभव नहीं है, विलय नहीं होगा। हाँ, गठबंधन की बात है तो हम आने वाले दिनों में 30 तारीख से पहले जो है हम इस पर सोच विचार करेंगे और डिक्लेयर भी कर देंगे कि आने वाले समय में हम किनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, इन सभी के बावजूद भी उन्होंने लालू प्रसाद पे भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कारण ही आज हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई थी। साथ ही साथ जब वो महागठबंधन से दूर हो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने साफ तौर पर जब दूर होते समय उन्होंने उनके प्रवक्ता लगातार जो है महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं खासकर लालू परिवार तेजस्वी यादव पर बहुत सारे आरोप भी लगाए थे कि वो आरोप भी लगाए थे। बहरहाल, अब उम्मीद किया जा रहा है कि 30 तारीख से पहले जीतनराम मांझी कोई डिसीजन लेंगे, क्या जीतनराम मांझी जो है अपनी पार्टी हम को जेडीयू में विलय करते हैं या एनडीए के साथ जाएंगे। इन सभी के बावजूद एक खबर यह भी है कि उनकी मुलाकात ओवैसी पप्पू यादव हो या तीसरे फ्रंट से लगातार उनकी मीटिंग जो चल रही है, क्या कुछ बातें बनती है। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है कि वो महागठबंधन से निकल के आते हैं तो हम जाप जनता कार्य पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन ये बातचीत चल रही है, ये बात उन्होंने स्वीकारा कि हमारी बातचीत कई पार्टियों से चल रही है, कई गठबंधन से चल रही है कि क्या कुछ रणनीति के तहत हम मैदान में उतरेंगे, क्या गठबंधन में रहेंगे या
हम खुद अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्या कुछ होगा, हम उसके साथ भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें भारत लैब के साथ। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।